कोरोना के बढ़ते महामारी के बीच बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और आज बंगाल विधानसभा में पांचवें चरण के लिए वोटिंग की जा रही है। मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। फिर से खबर है कि बंगाल के पांचवें चरण के मतदान में भी छिटपुट हिंसा हो रही है। कई जगह पे टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आमने सामने की भिड़ंत हुई है। जी हाँ, नादिया जिले में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ गए, जिसके बाद स्थानीय पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नादिया जिले की 8 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल के कुल 45 सीटों पर वोटिंग की जा रही है और इसमें बीजेपी टीएमसी के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के भी प्रत्याशी शामिल हैं। उधर खबर है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर 24 परगना जिले के मीनाखा के बूथ संख्या 114 पर बम से हमला का आरोप लगाया है। टीएमसी ने एक तस्वीर जारी करते हुए इंडियन सेकुलर फ्रंट कैडर पर बमबाजी का आरोप लगाया है। ये वही फ्रंट है जो कांग्रेस के गठबंधन में शामिल है। कहा जा रहा है कि इस घटना में टीएमसी के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं और इलाके में तनाव है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पांचवें चरण के चल रहे मतदान के लिए जलपाईगुड़ी के 7 सीटों पर, कलिंगपोंग के 1 सीट, दार्जिलिंग के 5 सीट, नादिया के 8 सीट, 24 परगना के 16 सीट और पूर्वी बर्धमान की 8 सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। और बढ़ते कोरोना को देखते हुए पिछले दिनों चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की थी, जिसके बाद एक नया गाइडलाइन जारी कर कहा गया है कि चुनाव से 72 घंटा पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही हर रोज चुनाव प्रचार के लिए सुबह 10 बजे से 7 बजे तक का ही वक्त दिया गया है, जबकि पहले 10 बजे से 10 बजे तक चुनाव प्रचार किया जा सकता था। अब कोरोना गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने इस बदलाव को सभी राजनीतिक पार्टियों को फॉलो करने का निर्देश दिया है और प्रचार में जहां भी जनसभा है वहां पे ये भी सुरक्षित किया जाएगा कि सभी कार्यकर्ता या जो भी भाषण सुनने वाले आ रहे हैं उनके फेस पर फेस मास्क है और 2 गज की दूरी में बैठे हुए हैं। इसके अलावा बार बार हाथ धोने के लिए वहाँ पर सैनिटाइजेशन का बॉटल रखा जाए, सैनिटाइजेशन करवाया जाए। ये सभी गाइडलाइंस चुनाव आयोग ने जारी किए हैं, लेकिन इन सब के बाद भी बंगाल विधानसभा चुनाव में कोरोना के कोविड प्रोटोकॉल का जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है और जब वहाँ पर कैमरा या पुलिस वाले दिखते हैं तो लोग थोड़ा बहुत परहेज जरूर कर रहे हैं। इन सब के बीच लोगों का कहना है कि हमें क्या मतलब, हम क्या करें, हमें तो जितना व्यवस्था दिया गया है, अगर सरकार ने प्रशासन ने व्यवस्था किया होता तो हम 2 गज की दूरी भी अपनाते, सब कुछ करते। हमें वोट डालना है, वोट डालने के लिए हम आए हैं और क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान है और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतदान का प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। हालांकि बंगाल की जनता इस चीज़ में बहुत जागरूक है, क्योंकि अब तक जितने भी मतदान हुए हैं सभी लगभग 80% से ज़्यादा वोटिंग सभी में लगभग 80% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो मतदान का परसेंटेज बंगाल में कुल मिलाकर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है और ये परसेंटेज सभी को, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बीजेपी हो या टीएमसी, सभी को संदेह में डाल रहा है कि क्या होगा। इन सब के बीच अगर चुनावी सर्वे की बात करें तो हर ओर यही दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की लहर है, बीजेपी सत्ता में आ सकती है, टीएमसी सत्ता से जा सकती है। होगा क्या ये 2 मई को पता चलेगा और उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।